हमारे नवाब शाह पिंजरा एसोसिएशन के चैंपियन मोस्ट सीनियर उस्ताद उस्ताद अजीजुर रहमान जदून, इन्होंने एलानात किए, बड़ी खुशी हुई। यही चीज होती है, कोई किसी को खाने को नहीं देता है, कोई किसी को वो नहीं दे देता है, तो यही खुशी होती है। यही लोग हैं वो जो आपको हमको ऊपर लेके जाते हैं। तो हर बंदा ऐसा ही है। तो बहुत अच्छी बात हुई, बहुत हुई। इसी में अभी मैं उस्ताद हाजी गुलाम अहमद अराई से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और कल के टूर्नामेंट के बारे में कुछ आपको बताएं। आपकी भरपूर तालियों में हाजी गुलाम अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूनियन के अहदेदारान, उस्ताद, खलीफा, शागिर्द, दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको आज़ाद भाई ने भी सब कुछ बताया है और अजीज भाई ने भी माशाल्लाह कोई कमी नहीं छोड़ी है, मेरा ये है कि कल चैंपियन है। हर शागिर्द जो भी अपना जो उड़ा रहे हैं चैंपियनों में, बड़ी खुशी की बात है कि उनको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि वो चैंपियन कप में जो है हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे जो ये चार कप उड़े हैं और मोटरसाइकिल में उड़े हैं, अजीज भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि यार जिसको इतने नंबर लगे तो उसको चैंपियन का जो है ना पॉइंट के तौर पे होना चाहिए। मगर क्या है कि वो एक थोड़ा सा दिलचस्पी की वजह से ये सिस्टम रखा था कि यार चैंपियन में जो भी नंबर मारे वो आए ताकि एक्सीडेंट बढ़ जाए और वो इस तरीके से उड़े। एक दो दफ़ा ऐसा ही हुआ है कि पॉइंट पे भी दिया गया, मगर उसमें उस्ताद जो है वो मुतमईन नहीं थे इस बात से कि यार शौक में इंजॉय नहीं हो रहा ताकि ये मुकाबला कराया जाए। दूसरी बात ये है कि कल इंशाल्लाह अपने प्यार मोहब्बत से जो है चैंपियन कप को उड़ाना है। और सदर साहब, हमारे चौधरी ताहिर साहब, गुलकरनैन साहब, आला शरीफ साहब, गफार भाई, ये अपने नवीज मीर साहब, इनकी सबकी कोशिश है। ख़ास तौर पे जो है मैं ये एक कहना चाहता हूँ यूनियन से कम अच्छे उस्तादों की छत बाई छत शाम को 5 बजे के बाद ड्यूटी होनी चाहिए इंशाल्लाह, ताकि कोई ऐसा शिकायत का मौका नहीं आए और किसी को कोई बात करने की जो है जरूरत नहीं हो गई यार वो ऐसा अंदर हो गया या वैसा हो गया। इस चीज़ पे जो है ना इंशाल्लाह हम सब ध्यान देंगे। जी जी। बाकी रही हौसला अफजाई के लिए, तो जो भी चैंपियन बनेगा उसको मेरी तरफ से 10,000 रुपये। उस्ताद हाजी गुलाम अहमद अराई साहब की भी रिक्वेस्ट है, ख्वाहिश भी है इनकी कि हमारे सिंध के सदर नवाब शाह पिंजरा एसोसिएशन के मोस्ट सीनियर उस्ताद उस्ताद सरदार दो बातें करें, भले बैठ के करें कोई मसला नहीं है। उस्ताद सरदार आपकी भरपूर तालियों में। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, बहरहाल ये है कि दोस्तों की रजा के कुछ ना कुछ बोले। नवाब साहब, पिजन ने माशाल्लाह बहुत अच्छा शो कराया और उसका सबूत यही है कि आज ये इतनी बड़ी महफिल बैठी हुई है, उस्ताद साहिबान, खलीफा, शागिर, उनके भरपूर शौकीन जो है ना वो पूरे सीज़न के अंदर जो है ना पूरी मीटिंगों में शायद तारीख रकम की है नवाब शाह पिजन के। जैसे नवाब शाह पिजन एसोसिएशन के कानून जितने सख्त हैं उसी तरीके से उतना ही नाम नवाब शाह पिजन का पूरे सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। तो इनामात का सिलसिला है, जिन्होंने भी इनाम लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो उनको, सब उस्ताद साहिबानों को जिन्होंने इनाम लिए। कल चैंपियन हैं और अल्लाह ताला जिसके नसीब में दे शौक बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, सारी छतें बहुत मजबूत हैं। सर्दी का तो 7:30 बजे का टाइम है, 12 घंटे हर कबूतर को दिए जाते हैं, तो नंबर तो जो है ना ये मेहनत सर्दी की भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। लोग कहते हैं कि यार ये सर्दी का शौक जो है ये बच्चों का शौक है या ये ऐवें ही शौक है, मेरी नज़र के अंदर सर्दी का शौक जो है ये भी बहुत मेहनत और नसीब का काम है। इससे शौक कोई सा भी शौक हो, गर्मी हो या सर्दी हो, कोई
सर्दी को पसंद करता है, कोई गर्मी को पसंद करता है, लेकिन मेहनत दोनों में की जाती है। तो कबूतर 12 घंटे के अंदर कबूतर को बिठाना मैं समझता हूँ बहुत मेहनत है, वो गर्मी से भी ज्यादा मेहनत है, क्योंकि कबूतर को सारी रात उड़ाना ना आसान है, वो बिल्कुल आसान है, क्योंकि कबूतर को अपनी मर्जी से छोड़ा जाता है। लेकिन कबूतर को जो है ना वो 12 घंटे के अंदर अंदर उतारना, ये बहुत ज्यादा मेहनत है कि जो कल 12 घंटे के अंदर अंदर जो बिठाएगा, जिसके अच्छे कबूतर उड़ेंगे वही चैंपियन बनेगा, और जिसके अवर हो जाते हैं उसका भी नसीब, उसने भी बहुत अच्छी उड़ाए। लेकिन जो भी शौकीन सारे कपों के अंदर 7 से लेके 7:30 के दरमियान उतार रहे हैं तो उनकी मेहनत ज्यादा है इसके अंदर। तो बहरहाल ये है कि शौक कल का होगा इंशाल्लाह, और 26 इससे अगला जुम्मा जो है वो 11 बजे तक का टाइम है, वो इंशाल्लाह शौकीनों को थोड़ा सा और ज्यादा टाइम मिलेगा, तो वो भी अच्छा शौक होगा इंशाल्लाह। जैसे हर साल की निस्बत जो है ना मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी नवाब शाह पिजन एसोसिएशन का बड़ा नाम है, जो कि इससे पहले कभी नहीं था। तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए जो है ना हम भरपूर सारे के सारे शौकीन उस्ताद जो है ना वो तैयार बैठे हुए हैं सारे शौक करने के लिए भी, और तकसीम इनामात के लिए जो है ना वो भी इंशाल्लाह ताला जो भी हमसे हो सकेगा। सारे उस्तादों ने जिस तरीके से ऐलानात किए हैं आज माशाल्लाह, इस तरीके से जो है वो उस्ताद जो है ना भरपूर शौक कराने के अंदर जो है ना वो जस्तजू में लगे हुए हैं। बहरहाल मेरी तरफ से जो है वो जो 26 तारीख को 11 बजे वाला जो कप है उसके लिए मैं 5,000 रुपये का ऐलान करता हूं। वो यूनियन की अपनी मर्जी है, वो इनाम जो है वो किसी को भी दे दें, फर्स्ट को दे दें या आखिरी नंबर वाले को दे दें, वो यूनियन की अपनी मर्जी है। मैं 5,000 का इनाम करता हूं शौक की तरफ से इंशाल्लाह ताला।